नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वच्छ इंडिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। सर्व ब्राह्मण विकास परिषद की बैठक केंद्रीय कार्यालय दशमपुरवा में समाप्त हुई। बता दें, प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर अवस्थी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल किशोर अवस्थी का स्वागत माल्यार्पण एवं पुष्प भेंट कर किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल किशोर अवस्थी ने अपने संबोधन में पदाधिकारियों को बताया कि सर्व ब्राह्मण विकास परिषद इस बार 13वां भगवान परशुराम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाने जा रहा है। पदाधिकारियों के द्वारा 11 करोड़ दीप 10 मई को भगवान परशुराम जन्मोत्सव में प्रज्वलित किए जाएंगे, जिसके लिए सभी प्रदेश जिला विधानसभा स्तर पर बैठक कर निर्देशित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि एक साथ कई प्रदेशों सहित उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में सुंदरकांड एवं प्रसाद वितरण तथा महाआरती का आयोजन भी किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल किशोर अवस्थी ने बताया कि भगवान परशुराम के हम सभी ब्राह्मण वंशज हैं, उनके आशीर्वाद से हम लोग ब्राह्मण एकता तथा विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, तभी ब्राह्मण उत्थान होगा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर अवस्थी ने पदाधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए प्रदेश के समस्त जिलों के जिलाध्यक्षों को अधिक से अधिक संख्या में ब्राह्मणों को जोड़ने की बात कहते हुए कहा कि आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सर्व ब्राह्मण विकास परिषद की सदस्यता लेकर युवा बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। बता दें, आगामी 10 मई को भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव को परिषद के पदाधिकारी हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाएंगे। इस मौके पर मुख्य रूप से सुरेंद्र सिंह, राज पुरोहित डॉक्टर विजय तिवारी, अजय दीक्षित, प्रमोद पांडे, महेश त्रिवेदी, सूर्यकांत मिश्रा, जगदेम्बर तिवारी, नीलम मिश्रा तथा स्मृति वाजपेयी आदि ने संबोधित किया। एक ब्राह्मण वर्ग एक होकर राजनीतिक दलों को अपनी ताकत का एहसास कराएगा। वर्तमान समय में हर एक दल ने बैकवर्ड की राजनीति प्रारंभ कर दी है, लेकिन ब्राह्मण धुतपाते जा रहे हैं। ब्राह्मण किसी पार्टी की बबौती नहीं है। ब्राह्मणों को एक होकर हर पार्टी राजनीतिक दल को सबक सिखाना होगा। बिना ब्राह्मण के आप सत्ता नहीं प्राप्त कर सकते। वर्तमान समय में तो इतना होता जा रहा है कि ब्राह्मण ब्राह्मण के खिलाफ होता जा रहा है, कारण ब्राह्मणों में एकता न होने के कारण। संस्थाओं की संख्या बहुत है, हम लोगों